निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के जनपद में प्रथम आगमन पर यहां कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाओं के साथ बधाई दी। वहीं सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषादों को उनका हक दिलाने के साथ सबका साथ सबका विकास के तहत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर करेंगे वह कार्य। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इस समय हमारे साथ हैं। अब उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले जब वो निषाद समाज की अगुवाई करते थे और अब वो पूरे प्रदेश की अगुवाई करेंगे, तो किस तरीके का बदलाव है और क्या लगता है कैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन हो पाएगा? मैं तो धन्यवाद दूंगा पहले चैनलों का कि उन्होंने इतना सहयोग किया कि इस लायक बनाया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने, हम जिस समाज का संघर्ष कर रहे थे उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम प्रयासरत थे, बहुत आंदोलन किए थे, उसको उनको सेवा का उनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हमें उस जिम्मेदारी दी गई। और 70 साल में पहली बार है कि इस मत्स्य मंत्रालय को जो विभाग से उसको मंत्रालय में बदला गया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, कैबिनेट का जगह दी गई है और उसमें इनके जो सारे विभाग थे छोटे छोटे उनको एक टेबल पर लाया जाएगा। मंत्रालय में मंत्री की शपथ लेने के बाद माननीय योगी जी से मुलाकात की, उनसे दिशा निर्देश जारी किया, आशीर्वाद लिया। उन्होंने निर्देश जारी किया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तो बनाना है लेकिन इस विभाग को भी उत्तम एक नंबर बनाना है कि हम दूसरे प्रदेशों से मछली जो लाते हैं या इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजें। डॉक्टर साहब, लगातार यहाँ की समस्या रही है आरक्षण को लेकर और तमाम, आप भी उन मुद्दों को उठाते रहे और तमाम निषाद नेता भी इस तरीके के मुद्दे को उठाते रहे, तो कैसे उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूँ इसीलिए समाज मेरे साथ है और सरकार को करना है और समय पर होता है और समय पर उसका सिस्टम बना हुआ है। और हमने जब अगर प्रमाणिक दस्तावेज सरकार को दी है तो प्रमाण पत्र और उनकी सुविधाएं में मैं दिलाऊंगा। आज के दिन में आपने देखा होगा कि आरक्षण का मतलब अवसर प्रदान करना, आपने देखा होगा कि बिना किसी के, आपने देखा होगा कि अवसर है कि एक निषाद के बेटे को कैबिनेट में जगह दी गई है। आज का इतिहास है इस तरीके का और वो विभाग दिया गया जिससे इनके इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले आरक्षण तो यही हो गया कि ये लोगों को अवसर मिल गया है आज के दिन में। बाकी जो है, जो आपका विषय है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार से लेटर भिजवाया था RGI को, RGI ने उस पर एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मजवार हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई ये मेरा हमारे यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इसको दिलाने का काम सामाजिक न्याय मंत्रालय को है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया और उस पर आगे काम किया जाएगा और समय समय पर जिस समय उचित होगा जो जो होगा वो काम करा कर अपने समाज को विकास की मुख्यधारा में लाएं। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद ने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो आरक्षण की मांग थी, जो तमाम मुद्दे हैं निषादों को लेकर, वो मुखर होकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। कैमरा सहयोगी।